पिछले काफी वक्त से भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर तनातनी बनी हुई है, जिसे लेकर हाल ही में नेपाल की संसद ने संविधान संशोधन बिल पास कर दिया, यानी कि भारतीय सीमा से लगे लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जैसे इलाकों को अपने संविधान में शामिल कर लिया है। अब चूंकि एक्ट्रेस मनीषा कोइराला का जन्म नेपाल के काठमांडू में हुआ है, तो इन्होंने नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे का सपोर्ट किया, जिसके चलते सोशल मीडिया पर लोग उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने नेपाली संसद में पास हुए नक्शे पर खुशी जताते हुए ट्विटर पर लिखा, क्षेत्रीय संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक संप्रभुता एक संप्रभु राज्य के बराबर होती है। उनके इस ट्वीट पर लोगों ने उन पर सवाल खड़े कर दिए और पूछा कि क्या वो नेपाल के हालात को लेकर टिप्पणी कर रही है। तो कुछ लोगों ने उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताते हुए मेंटल ट्रीटमेंट लेने की सलाह दी। खुद को ट्रोल होता देख मनीषा को आगे आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने ट्रोलर्स से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी दिल से प्रार्थना है कि आप इतना उत्तेजित और असम्मानीय मत बनिए। हम लोग इन परिस्थितियों में एक साथ हैं, हमारी सरकारें इस मामले को सुलझा लेंगी। इस दौरान हमें सभ्य बने रहने की जरूरत है, मैं अब भी उम्मीद करती हूँ। गौरतलब है कि मनीषा वैसे तो सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहती हैं, लेकिन अपने राजनीतिक विचारधारा को ट्विटर के जरिए सबके सामने रखने से चूकती भी नहीं है।